कानपुर नगर से है। खालसा दल की अहम बैठक, जहां पर निर्णय लिया गया कि समाज में आपसी भाईचारे की बात को पूरे जोर तरीके से उठाएंगे। वह लोगों को जागरूकता का संदेश देते हुए सभी को शिक्षा ग्रहण करवाने की प्रेरणा को देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए बल देंगे। वहीं दूसरी तरफ खालसा दल के नए चेयरमैन रंजीत सिंह होंगे तथा पुराने चार उपाध्यक्ष के साथ साथ पांचवें उपाध्यक्ष कमरजीत सिंह बाबा, संगठन मंत्री मनजीत सिंह गांधी, संयुक्त मंत्री कुलवीर सिंह व धार्मिक जत्थेदार आदमजीत सिंह सलूजा होंगे तथा कई नए सदस्यों की सदस्यता भी। अध्यक्ष खालसा दल एडवोकेट मोहनजीत सिंह गंभीर और खालसा दल सदस्यों की उपस्थिति में कराई गई। सभी को शुभकामनाओं के साथ समाज में सेवा के लिए तत्पर रहने का भी संदेश दिया गया। इसमें प्रमुख रूप से अध्यक्ष एडवोकेट मोहनजीत, जनरल सेक्रेटरी सतबीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसबीर सिंह बेदी, उपाध्यक्ष राजू वालिया, उपाध्यक्ष रंजीत सिंह, उपाध्यक्ष जसबीर अकाली आदि लोग उपस्थित रहे। एडवोकेट मोहनजीत सिंह गंभीर अध्यक्ष खालसा दल, देखिए ऐसा है, खालसा दल विगत 11 वर्षों से समाज में सेवा कर रहा है और उसकी उपलब्धियां दर्शाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दिलों पे राज करने का काम किया है सेवा के माध्यम से, एकता और अखंडता के माध्यम से। और हम लोगों की ये जो बैठक हो रही है, इसमें नए सदस्यों का जुड़ाव और कई बात पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मैसेज भी देना चाहती है कि हम लोग लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं ताकि वो शिक्षा ग्रहण करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें और उच्चतम शिक्षा के साथ साथ समाज का विकास, सही रूपों में चलना और नैतिकता की धारणा को स्वीकार करें, तभी सही मायने में समाज का निर्माण हो पाएगा। आपकी कार्यकारिणी में कितने लोग गठित थे? देखिए कार्यकारिणी तो लगभग गठित ही थी, लेकिन आज की मुकम्मल कार्यकारिणी में एक से लेकर चार और चार से लेकर पाँच, पाँच पदभार ग्रहण किए जा रहे हैं, जिसमें कि चेयरमैन के रूप में खालसा दल में हम लोगों के संगी साथी और उपाध्यक्ष के रूप में संगी साथी खालसा दल में रंजीत सिंह जी जो है चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। चार उपाध्यक्षों के साथ जो पांचवें उपाध्यक्ष होंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चार उपाध्यक्षों को मिलाकर पांचवें उपाध्यक्ष होंगे, वो करमजीत सिंह बाबा जी आज से पदभार संभालेंगे। संगठन मंत्री के रूप में मनजीत सिंह गांधी जी पदभार संभाल रहे हैं, संयुक्त मंत्री जी के रूप में कुलवीर सिंह भोलू जी पदभार संभाल रहे हैं और धार्मिक जत्थेदार के रूप में आतमजीत सिंह सलूजा, जो कि गुमटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ट्रस्टी भी हैं, खालसा दल के संरक्षक पूर्व में रहे हैं, वो धार्मिक जत्थेदार की भूमिका को निर्वहन करेंगे। इसी के साथ कई नए सदस्यों की जो कि 6 से 7 मुसलसल लोगों में हैं, वो भी आज खालसा दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।